निर्भया केस में गृह मंत्रालय ने दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज करते हुए फाइल राष्ट्रपति भवन को भेज दी है। अब वहीं से यह तय हो सकता है कि दोषी को दया मिलेगी या फिर सजाए मौत। आज ही वारंट पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई भी होगी, लेकिन निर्भया की मां के आंसू सरकार से लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इंसाफ की घड़ी इतनी दूर क्यों है। आज इस पे फैसला है तो अभी हम फैसले का इंतजार करते हैं, लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट में बात रखी गई है सरकार की तरफ से तो कहीं ना कहीं है सस्पेंस है कि क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट में उस अर्जी पे सुनवाई हो रही थी कि मुकेश की अर्जी है कि फांसी पे स्टे लगाओ, और जिस तरह से वहाँ बात रखी गई वकील सरकारी वकील की तरफ से, तो कहीं ना कहीं हमें अब लग रहा है कि नहीं, उनकी फांसी उनके साथ हमारा कानून व्यवस्था हमारी सरकार खड़ी है। फांसी पे रोक तो नहीं लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे इधर से घुमाइए उधर से घुमाइए, जो मुजरिम कह रहा है वही सरकार सुन रही है, वही कोर्ट सुन रहा है, हमें कानून का हवाला दिया जा रहा है। मैं पूछती हूँ कि जिस तरह सात साल पहले बच्ची के जिंदगी के साथ इन दरिंदों ने खिलवाड़ किया, उसी तरह आज हमारे को इस कोर्ट उस कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पटियाला कोर्ट घुमा रहे हैं। हमारी तकलीफ सरकार को भी नहीं देखती, खासकर कोर्ट के सामने कोर्ट को नहीं देखती। कल की बात मैं कह रही हूँ, मुजरिमों को इतनी छूट है कि उनका वकील का भी दबदबा कोर्ट में चलता है, वो पूरी कोशिश रहती है कि मैं तो एक आम आदमी हूँ, मुझे तो बोलने का भी हक नहीं है। हमारे वकीलों को वो घुसने तक नहीं देते हैं, ये तो मान कोर्ट की अगर जज साहब नहीं कहते तो उनका यही रहता है कि ये हम बोल ना पाए, हमारे वकील बोल ना पाए। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्राइम उसने किया है, सजा मैं भुगत रही हूं। तो निर्भया की मां जिस तरह से अपनी तकलीफ जाहिर कर रही है अपने बयानों के जरिए, वो अपने आप में लाजमी, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को इस मामले में इससे पहले फटकार लगाई थी कि आखिर क्यों एक साल तक इस पर देरी की जाती रही। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गृह मंत्रालय से दया याचिका खारिज होने के बाद क्या कहा, सुनिए। मुझे लगता है कि उनको या तो कोई मिसगाइड कर रहा है उनको, मुझे लगता है कि उनको कोई गलत फहमी हुई है, और दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली सरकार का तो हार्डली कोई रोल है ना, पुलिस हमारे पास है ना, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है, हमारा इसमें रोल ही क्या है। हमारा तो केवल फाइल इधर से आती है उधर भेज देते हैं, उधर से फाइल आती है इधर भेज देते हैं, सारा रोल केंद्र सरकार का, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार की कोई भूमिका थी नहीं, केंद्र सरकार की इस मामले को लेकर अहम भूमिका थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय से भी दया याचिका खारिज हो गई, यानी कि अब अगला स्टेप होगा राष्ट्रपति के पास इस दया याचिका के जाने का। हमारे संवाददाता जितेन बहादुर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। जितेन, गृह मंत्रालय से बेशक ये दया याचिका खारिज हो गई है, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री केजरीवाल भी आरोप अभी यही लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार यहां पर चूकी है। क्या अभी ओवरऑल इस पूरे मामले को लेकर हुआ है और अगला कदम अब यहां से आगे क्या हो सकता है? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहला अपडेट ये है कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति भवन को दया याचिका की जो सिफारिश थी उसको भेजा था, और प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से भी इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। हालांकि इसको लेकर के जो निर्भया की मां है उनका भी दर्द झलक रहा है, और उनका ये कहना है कि पिछले 7 सालों से उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो निर्भया के गुनहगार हैं उनको फांसी दिया जाना चाहिए, लेकिन उनको फांसी नहीं मिल रही
रही है, कोर्ट कचहरी के उनको सिर्फ और सिर्फ चक्कर लगाना पड़ रहा है। उधर अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी बात रखी, बीजेपी की तरफ से भी ये सवाल उठाए गए कि आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से 2.5 साल इस पूरे मामले को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में इस बीच में राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश ने जो अपनी दया याचिका दी थी उसको खारिज कर दिया गया और गृह मंत्रालय ने सिफारिश देते हुए प्रेसिडेंट हाउस को भेजा था, राष्ट्रपति ने उनकी दया याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है, एक तरीका होता है, उसके तहत अभी भी राष्ट्रपति की दया याचिका खारिज होने के बाद मुकेश को 14 दिनों का समय मिलेगा, यानी कि जो डेथ वारंट जारी हुआ था 22 तारीख का, उसमें उसको फांसी नहीं मिल सकती, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर के जो वकील हैं, जो आरोपी हैं, उनके वकील अलग अलग कोर्ट में जाकर के क्यूरेटिव पिटिशन डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुकदमा ले जाते हैं, फिर लोअर कोर्ट में आते हैं, उसके बाद इस पूरे मामले को लटकाने की कोशिश की जाती है और वो जो गुनहगार हैं, जो निर्भया के गुनहगार हैं, उनको फांसी नहीं हो पा रही है कोर्ट के आदेश के बाद भी। तो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है और कोशिश की जा रही सरकार की तरफ से इस पर जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। नेता है वो अपने साथियों के साथ पहुंचे, जाहिर तौर पर वो इस मूवमेंट को शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं और यहीं से पुलिस ने उनको शुरुआत में जब पहले उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था तो यही कहा था कि हिंसा भड़काने का उनके ऊपर आरोप है और उसी सेंस में उनको गिरफ्तार किया था। अदालत से उनको बेल मिली है जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ यहाँ पर दोबारा पहुंचे हैं। हालांकि 24 घंटे का टाइम है, उसके बाद उनको दिल्ली छोड़नी पड़ेगी क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि 1 महीने तक वो दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी वो जस्ट पहुंचे और दृश्य भी देख सकते हैं कि वहाँ काफी जो उनके नेता है उन्होंने उनको घेर रखा है और वहाँ पर जो मूवमेंट है उनका साफ साफ कहना है कि ये दलितों के खिलाफ है ये जो कानून है और कहीं ना कहीं इसी बेसिस पर वो यहाँ पर अपने साथियों के साथ पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम उनके जो साथी है वो मौजूद है, पुलिस का भी काफी सख्त अरेंजमेंट है। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर शुरुआत में बिल्कुल स्टार्टिंग गेट पर ही शुरू से यही था कि वो आ रहे हैं और उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस का भी अरेंजमेंट किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मौके पर पुलिस है और मैं वो दृश्य भी आगे से दिखाता हूँ बिल्कुल फ्रंट लाइन से किस तरह से यहाँ पर जो चंद्रशेखर हैं वो थोड़ी देर पहले यानी 10 मिनट पहले पहुंचे थे और यहाँ पर गेट नंबर 1 है जामा मस्जिद का जहाँ पर वो पहुंचे हैं अपने साथियों के साथ इस समय मौजूद हैं और वहाँ पर जो इस मूवमेंट है इस मूवमेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए आए जो NRC और CAA के खिलाफ है। और यहाँ पर इससे पहले चूंकि जब कोर्ट का आदेश था तो कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि वो कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे कोई हिंसा भड़के, वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो सिर्फ बात कहेंगे और उसी सेंस में वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एकदम माहौल डिफरेंट हो गया है क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर पुलिस का भी अरेंजमेंट था और यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत में जब पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था उनको यहीं से अरेस्ट किया था, उनका कहना था कि जो पूरी तरह से हिंसा में उनका रोल था उसी बेसिस पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। जब जमानत मिली उसके बाद वो यहाँ पहुंचे और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि सख्त पुलिस का अरेंजमेंट और वहाँ पर जो दृश्य में भी दिख रहा है किस तरह से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो और जूम करके दिखाएं पूरा कि उस तरफ जो है वो चंद्रशेखर आजाद हैं अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं और मूवमेंट जो है उसको जाहिर तौर पर जो NRC है और CAA उसके खिलाफ यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम और लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं जो काफी समय से इस मूवमेंट का विरोध कर रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में बल्कि तुर्कमान गेट, जामिया, दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है NRC के विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफी लोग पहुंचे हैं और ये स्थिति जो है वो तकरीबन आधे घंटे पहले बने जब यहाँ पर खुद चंद्रशेखर पहुंचे, उससे पहले वो सुबह सबसे पहले 11 बजे वो रविदास मंदिर भी गए थे, उसके बाद उन्होंने वहां से गुरुद्वारे गए शीशगंज गुरुद्वारे, उसके बाद अब यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी लोगों ने उनको घेरा हुआ है और लगातार जो मूवमेंट है उनके पोस्टर्स हाथ में है, तमाम जो उनके कार्यकर्ता है सपोर्टर्स हैं और आप देखिए बीच में इस वक्त दृश्य में भी दिख रहे हैं कि वो खड़े हुए हैं। पुलिस का भी यहाँ काफी सख्त अरेंजमेंट किया गया है और लगातार पुलिस का भी कहना था कि यहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना हो, तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए वो यहाँ कोर्ट के आदेश से आए हैं और जाहिर तौर पर ऐसे में किसी तरह का कोई जो है वो हिंसा नहीं भड़काएंगे, तमाम ऐसी बातें कोर्ट ने कहा था और उसी बेसिस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविधान निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताब उनके हाथ में है और यहाँ पर वो अभी भी जो है वो बैठे हुए हैं और अपने तमाम जो कार्यकर्ता उनके हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार एक तरह से कहा जाए विरोध कर रहे हैं। जो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा हम अंदर जाकर और स्थिति जो है और स्पष्ट तरीके से दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जब मूवमेंट हुआ तो जब वो पहुंचे तो यहाँ काफी लोग यहाँ पर पहुंचे और आप देखिए
मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देखिए कि अभी यहाँ पर चंद्रशेखर, हम बिल्कुल फ्रंट गेट से आपको दिखाना चाहूंगा, चंद्रशेखर जो है वो बिल्कुल बीच में अपने साथियों के साथ यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और यहाँ पर एनआरसी और सीए के खिलाफ यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि लगातार इसका विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है और खुद चंद्रशेखर की जो टीम है वो कर रही है। इससे पहले पहुंचने से पहले उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बातें कही कि ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए दलितों के खिलाफ है कानून, इस तरह की तमाम बातें बोली। ये कहा कि वो अदालत के आदेश के बाद ही यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ किसी तरह कोई हिंसा भड़काने नहीं आए, बल्कि अपनी बात रखने के लिए आए, एक सॉलिडिटी के तहत आए हैं और यहाँ जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए। तो आप फिलहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर तमाम और लोग भी मौजूद हैं और जाहिर तौर पर विरोध प्रदर्शन जो है एक तरफ जहाँ चल रहा है एनआरसी का सीएए का, एक तरफ ये विरोध प्रदर्शन है, एक तरफ जहाँ पर भाषण जो है वो हो रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो तमाम नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, अलका लांबा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल मीडिया से बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, चंद्रशेखर खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा एक तरह से कहा जाए कि फिलहाल स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं जो मैं बात करना चाहूंगा, अलका लांबा से हमारे साथ मौजूद है। मैम आप यहाँ पर आपसे बात करना चाहिए, आप यहाँ पर पहुंची हैं, पिछली फ्राइडे को भी आप यहाँ पर आई थी, तो यहाँ पर अब किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? चंद्रशेखर यहाँ भी जस्ट पहुंचे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए मैं विधायक रही हूँ 5 साल की, ये पहला शुक्रवार नहीं है। हर जुम्मे के नमाज में जो नमाजी इकट्ठे होकर दुआएं करते हैं उनके साथ मैं भी शामिल रहती हूँ और हम सब ये संदेश देते हैं कि हम सब एक हैं। कोशिशें हो रही हैं देश में पूर्ण बहुमत के दम पर एक तानाशाह सरकार ऐसे फैसले ऐसे कानून इस देश पर जबरन थोप रही है कि पूरा देश छात्र युवा आंदोलित है, सड़कों पर है, असल मुद्दों से भटक चुका है। और चुनाव एक सेंसिटिव समय होता है कि जब धर्म के नाम पर राजनीति करके मुद्दों से हटाकर आज आप के नाम पर ये सब खेल करते हैं, सेंसिटिव मामला है। मुझे लगता है संवेदनशील हमें रहना होगा, हमें एक नुमाइंद यहाँ से चुनी हुई प्रतिनिधि रही हूँ, जिम्मेदारी समझिए, यहाँ खड़ी हूँ, अपनी आवाम के बीच में खड़ी हूँ, पुलिस की उपस्थिति में खड़ी हूँ, मीडिया भी देख रहे हैं, पूरी तरह से शांति है। लेकिन लोकतंत्र की जो आवाजें आप सुन रहे हैं उन्हें दबाने की कोशिश मत करिए, उन्हें सुनने की आदत डालिए, सत्ता में बैठे लोगों को कहूंगी। अपनी बात उन्होंने बताई है किस तरह से वो यहाँ पर किन उद्देश्यों के तहत यहाँ पर आई है। फिलहाल मैं आपको और दृश्य भी दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर अभी भी जो है पुलिस का एक तरफ पहरा है, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ एक दृश्य है जहाँ पर चंद्रशेखर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है एक तरफ एनआरसी और सीए का लगातार जारी है। आप देखिए एक पोर्शन पर पूरा भीम आर्मी सेना के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। जी मैं वजीर आजम को खत लिखता हूँ कि वजीर आजम इस कोऑर्डिनेशन कमेटी से बातचीत करें अगर मुनासिब समझे। तो चिराग हमें लगातार वहां से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और चिराग ने पूरी तस्वीर आपको दिखाई कि जामा मस्जिद इलाके में आज क्योंकि जुम्मे का दिन और बड़ी तादाद में लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं और ऐसे में स्थानीय नेता भी वहां पर मौजूद, चंद्रशेखर लेकिन इस प्रदर्शन में इस वक्त मौजूद है, कोर्ट से कल ही उनको जमानत मिली है और इस शर्त के साथ जमानत मिली है कि शाम तक दिल्ली छोड़ना होगा, 4 हफ्ते तक आप दिल्ली नहीं आएंगे और शाहीन बाग के प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे, सहारनपुर में आपको एसएचओ के सामने हाजिरी हर रोज लगानी होगी। लेकिन आप तस्वीरें भी देखिए, यहाँ पर हाथों में पोस्टर लिए तिरंगा झंडा लिए उनके समर्थक भी मौजूद हैं और बीते वक्त में जब जामा मस्जिद में एक बड़े प्रदर्शन की तस्वीर विरोध की तस्वीर दिखाई थी उस दिन चंद्रशेखर यहाँ पहुंचे थे और फिर गिरफ्तार भी हुए थे। चिराग लगातार वहां पर मौजूद है, चिराग अगर आपके लिए मुमकिन हो तो कुछ वहां पर लोगों से भी बात करिए, किस तरह के रिएक्शंस उनसे मिल रहे हैं बातचीत में? आज मुल्क के आवाम ने, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मैं थोड़ा और आगे जाता हूं, आपको और दृश्य दिखाता हूं। यहां पर जिस तरह से भीम आर्मी सेना के नेता जुटे हैं और तमाम यहां पर लोग भी मौजूद हैं, प्रोटेस्टर्स भी मौजूद हैं और लगातार वो विरोध एनआरसी और सीए का लगातार विरोध भी जारी है। फिलहाल यहां पर कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। यहां पर आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप?
प्रदर्शन शांतिपूर्वक है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सभी धर्म विशेष के लोग मौजूद हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे। एक बहुत बड़ी बात है और पूरे देश के लिए संदेश है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अब होश में आओ और कम से कम जनता की आवाज़ सुनो। आप इतने दिनों से खामोश हैं, आपने अभी तक इस प्रदर्शन के बारे में या प्रदर्शन वालों से जो शांति से कर रहे हैं उनसे बात करने की आपने कोशिश भी नहीं करी। ये एक बहुत ही शर्मनाक पूर्व बात है। अब कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको और दृश्य दिखाता हूँ, ये आप देखिए। यहाँ पर तमाम भीड़ मावरनी सेना के लोग मौजूद हैं, पीछे चंद्रशेखर हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं, एक मूवमेंट के साथ आप जुड़े हैं, क्या आप बोलना चाहेंगे? जिस तरह आज हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है नो NRC नो CAA नो PNR NP जो भी है आवाज उठ रही है, लेकिन अमित शाह और मोदी के कानों तक जो है ये आवाज नहीं पहुंच रही है। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? तानाशाही, ये तानाशाही है जिसमें हम जी रहे हैं। ये बोलना चाहते हैं, मैं और आपको तस्वीरें आगे दिखाना चाहूंगा। लगातार विरोध प्रदर्शन NRC और CAA का जारी है। भीम आर्मी सेना के कुछ लोग हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा दृश्य। और कैमरामैन विपिन से कहूंगा थोड़ा और आगे आकर दृश्य दिखाएं। ये आप देखिए, जो भीम आर्मी सेना है वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो मौजूद हैं, घेरा हुआ है, यानी एक सॉलिडिटी के तहत यहाँ पर पहुंचे हैं। जो CAA है उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि ये दलितों के खिलाफ है, ये गरीबों के खिलाफ है और ये तमाम इस तरह की बातें बोल रहे हैं। फिलहाल ये आप स्थिति यहाँ से जामा मस्जिद से देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है, एक तरफ जहाँ आप देख सकते हैं नमाज अता हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो भी उसका दौर भी देखा जा रहा है। लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है, एक साइड में शांतिपूर्ण तरीके से। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर दिखे जा रही है, अलग अलग इसमें एक तरह से कहा जाए बातें लिखी गई है और काफी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं लगातार जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। और ये एक एक तरफ एक कोने में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है ये प्रदर्शन जो है। और जाहिर तौर पर ऐसे में जो भीम आर्मी सेना के लोग हैं उनका तो यही कहना है इस पूरे मामले में, कहीं ना कहीं सॉलिडिटी के तहत यहाँ पर आए हैं, जो कानून है उसके विरोध करने के लिए आए हैं, ये तमाम बातें बोल रहे हैं। फिलहाल कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए क्या आपका कहना है इस बारे में? अच्छा बोलने से बताइए, अजान हो रही है, अभी अजान का वक्त हो गया है। और ऐसे में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर एक जो दृश्य है वो एक अलग तरीके का दृश्य बन गया है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर भीम आर्मी सेना है उनके कार्यकर्ता हैं, एक तरफ नमाज अता जो है वो हो रही है। लगातार आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं, मेरे कैमरामैन विपिन आपको पीछे से और दृश्य दिखाते हैं, पूरी तस्वीर जो है दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार जो विरोध प्रदर्शन है। लगातार एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी नमाज भी अता हुई है और यहाँ पर आप देखिए एक कोने पर जो भीम आर्मी सेना है उसके तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेफ्ट साइड पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक तरफ से कहा जाए कि नमाज भी अता हुई, तो ये एक अलग तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। इससे पहले खुद चंद्रशेखर जो है वो यहाँ से रविदास मंदिर गए थे, शीशगंज गुरुद्वारा गए थे और एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर जामा मस्जिद पहुंचे हैं, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो एक तरह से कहा जाए किसी धर्म का कोई विरोध नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर पहुंचे। उनका साफ साफ कहना है कि ये जो जमानत है, ये कहा जा सकता है कि जो जमानत है वो तमाम शर्तों के तहत उनको जमानत मिली थी और उसी सेंस में वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका साफ साफ कहना है इस पूरे मामले में कि 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करेंगे, उसके बाद जो है दिल्ली से रवाना होंगे, क्योंकि ये साफ साफ आदेश जो है कोर्ट की तरफ से दिया गया था कि 24 घंटे के अंदर यहाँ से दिल्ली जो है छोड़नी है, तो उसके तहत यहाँ पर एक मौन एक तरह से कहा जाए समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर एक तस्वीर जो और समझ में आती है, जिस तरह से जो दिल्ली में चुनाव का समय भी है और ऐसे में दिल्ली की करीब 5 सीटें 70 विधानसभा सीटों में से 5 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम मतदाता जो है अपना एक अच्छा खासा प्रभाव रखता है, वो तय करते हैं वहां से कौन चुना जाएगा। और जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली का इलाका उनमें से एक है,
जिस तरह के विरोध प्रदर्शन की सूरत यहां पर दिखाई दे रही है, चाहे शाहीन बाग में भी हमने देखा हो, पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है प्रदर्शनकारियों से कि आप यहां से हट जाइए। आज हम देख रहे हैं कि यहां पर भी जब बड़ी तादाद में लोग जमा है, एक बड़ा चुनौती भरा वक्त ये पुलिस ऑफिशियल्स के लिए भी है कि वो कैसे इस वक्त इस प्रदर्शन की सूरत को मैनेज करें, कैसे सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे शहर में, किस तरह का डिप्लॉयमेंट वहां पर है और क्या इंतजाम है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, पुलिस के लिए ये चैलेंज है क्योंकि एक तरफ जहां पर तमाम जगहों पर ना सिर्फ दिल्ली में शाहीन बाग इलाका है, चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे तमाम मुस्लिम बहुल इलाके हो, जहां पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको मैनेज करना है, और कुछ शाहीन बाग में तो ऐसी स्थिति है कि वहां ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या हो गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा पहले पुलिस का अरेंजमेंट यहां पर किस तरह से, यहां पर पुलिस का फिलहाल अरेंजमेंट है। ये मेन गेट है, आप देखिए जो जामा मस्जिद का है, जहां पर फिलहाल जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद हैं, यानी एक तस्वीर ये देखने को आ रही है कि यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी गेट्स पर ही मौजूद हैं, कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर है भीमार में, सेना के यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं, लोकल लीडर्स भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, और एक तस्वीर जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो विरोध प्रदर्शन है वो भी लगातार जारी है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो तस्वीरें वो भरकर आ रही है, एक राइट साइड में विरोध प्रदर्शन है, और जैसा आपने कहा कि 5 ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर काफ़ी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो काफ़ी संख्या में, तो ये बात सही है, ये इलेक्शन का भी टाइम है, और ऐसे में जो पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच कर एक तरह से कहा जाए कि अपना एक जो मकसद है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक सिचुएशन ये भी है कि पुलिस के लिए काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि ना सिर्फ दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके की बात करूँ बल्कि जामिया इलाके की, जहाँ पर ट्रैफिक बहुत बड़े इशू बना पड़ा है, और यहाँ पर भी आप देखिए ना सिर्फ पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जो है वो भी तैनात हैं यहाँ पर, और ये कहा जा सकता है कि स्थिति बिल्कुल एक डिफरेंट यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो कांग्रेस के लीडर हैं अलका लांबा वो भी पहुंचे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम एक बार फिर हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ इलेक्शन के टाइम में चूंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन है वो बोल रही है कि इलेक्शन के टाइम में कांग्रेस यहाँ पहुंच रही है, कहीं ना कहीं मकसद कुछ और है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव है, लोकतंत्र है, मतदाता है, आवाम है, मेरी यही फैसला करते हैं हर चीज का, इनसे हम अपने आप को दूर कैसे रख सकते हैं? जो ये प्रश्न कर रहे हैं ना उनको डर सता रहा है, जितनी ताकत से उन्हें निकलना चाहिए था ये समझाने के लिए कि नागरिकता कानून धर्म के आधार पर या किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है, वो समझाने में नाकामयाब रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है सच्चाई क्या है, वो सच्चाई हम बता रहे हैं और सच्चाई की जीत होती हुई दिख रही है। इसलिए जो पढ़ा लिखा JNU जामिया या शाइन बाकी है महिलाओं के साथ यहाँ की जो आवाम है वो जागरूक है, उसके बीच में हम पहुंचने में कामयाब हुए हैं, उनको सच्चाई बताने में कामयाब हुए हैं। और चिराग मैं आपके पास लौटती हूँ, क्योंकि शाहीन बाग से भी इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं, क्योंकि वहां पर भी प्रदर्शन पर पिछले एक महीने से लगातार लोग बैठे हुए हैं। ऐश्वर्या पालीवाल मौजूद है शाहीन बाग में, तस्वीरें दिखाएं ऐश्वर्या, क्या आज की स्थिति है शाहीन बाग में, क्योंकि कल भी पुलिस ने अपील की थी लेकिन अपील का कोई असर हुआ नहीं, पुलिस को वापस लौटना पड़ा। ऐश्वर्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए ऐश्वर्या से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको हम तस्वीरें जामा मस्जिद और शाहीन बाग लगातार दोनों इलाकों की दिखा रहे हैं, और यहां पर चंद्रशेखर रावण को आप इस वक्त इन तस्वीरों में देख रहे हैं, भीम आर्मी के प्रमुख हैं, हालांकि सशर्त जमानत मिली है, आज उनको दिल्ली छोड़ना है 4 हफ्तों के लिए, क्योंकि यही शर्तें थी कि आप प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जाने से पहले जामा मस्जिद के इस इलाके में प्रोटेस्ट के लिए वो फिर पहुंचे। ऐश्वर्या पालीवाल मौजूद हैं शाहीन बाग में, जी ऐश्वर्या दिखाएं तस्वीरें वहां की, आज क्या स्थिति है, क्योंकि पुलिस ने तो कल भी अपील की प्रदर्शनकारियों से हटने की लेकिन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए प्रदर्शनकारी। اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم। ऐश्वर्या आप सुन पा रही हैं मुझे? رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان। ऐश्वर्या तस्वीरें दिखाएं वहां की। وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
जी देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस समय यहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे लोग बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग सब हैं जिन लोगों ने अपनी जुम्मे की नमाज अब यहाँ पे अदा करी है। देखिए यहाँ जो औरतें हैं उनका ये कहना है इस समय कि पुलिस आई है, पुलिस ने अपील करी है, लेकिन उनकी जो एक मांग है कि सरकार आए और सरकार जो है उनकी बात सुने, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। ये जगह जहाँ पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे अभी नमाज अदा करी जा रही है, यही वो जगह है जहाँ पे सारी औरतें जो है बैठ के प्रोटेस्ट कर रही हैं। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे औरतें आएंगी, और जो उनका जो प्रोटेस्ट था वो उसको दोबारा करेंगी। इस समय यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से जुम्मे की नमाज को अदा किया जा रहा है। जी तस्वीरें आपके सामने जामा मस्जिद और शाहीनबाग की, जो ऐश्वर्या भी दिखा रही है कि वहां पर नमाज अदा की गई है। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये कि ये परिस्थितियां ऐसी ही कब तक बनी रहेंगी, क्योंकि एक डेडलॉक यहां पर दिखाई देता है, एक गतिरोध यहां पर दिखाई देता है, जिसके मद्देनजर प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं CAA और NRC के खिलाफ। और दूसरी तरफ हाईकोर्ट की तरफ से भी कम से कम शाहीनबाग के मामले को लेकर यह कहा गया कि पुलिस प्रशासन अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से फैसला ले कि कैसे इस परिस्थिति से निपटना है, क्योंकि प्रदर्शन एक तरफ, लेकिन एक महीने से लोग लगातार जाम की स्थिति से जूझ रहे हैं, ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि जिस रास्ते को पार करने में 20 मिनट लगते थे रोजाना, उसमें 2 से 3 घंटे का समय लोगों को लग रहा है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बीमार लोग जो उस रास्ते से गुजर रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। तो वहीं जामा मस्जिद की तस्वीर देखिए, भीम आर्मी के प्रमुख इस वक्त मौजूद है वहां पर, और आज शाम ही दिल्ली छोड़ने के लिए भी उन्हें कहा गया है, जमानत इसी शर्त के आधार पर मिली है। चिराग, इस बीच बड़ा सवाल है, जामा मस्जिद का जो इलाका है, पुरानी दिल्ली का इलाका, एक बड़ा बाजार भी है। शुक्रवार के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि लोग अपना विरोध यहाँ पर जता रहे हैं, लेकिन आमतौर पर जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली जिस तरह से रहती है, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव आप देख रहे हैं वहां की आबोहवा में, वहां के माहौल में, वहां के बिजनेस पर? देखिए परिवर्तन तो है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दोबारा दिखाना चाहूंगा, एक साइड में जहाँ पर नमाज अदा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो भी लगातार चल रहा है। हालांकि अब आप सारे लोग अब खड़े हो गए, क्योंकि नमाज अता इस वक्त हो रही है, और ऐसे में भीम आर्मी जो उसके चीफ हैं चंद्रशेखर, वो यहाँ पहुंचे हैं। एक तरह से कहा जाए माहौल तो बदला है, कुछ लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ऐसे में वो एक तरह से कहा जाए काम सब कुछ छोड़कर यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, तो एक तरह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ऐसे में देखना यही होगा कि ये स्थिति जो है कब तक बनी रहती है। दूसरी सिचुएशन जो न सिर्फ जामा मस्जिद इलाके में दिख रही है, बल्कि शाहीनबाग में भी दिख रही है, तमाम जगहों पर दिख रही है, जहां पर कुछ ग्रुप्स हैं जो इस तरह से प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, यानी कि विरोध अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ये बात साफ है। और लगातार इस पर जो है एक ये कहा जाए कि पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पहुँचते हैं, तो वो एक अलग एक दृश्य देखने को मिलता है। तो ये स्थिति जो है इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल जो नमाज अता है वो की जा रही है, और यहाँ पर जो दृश्य है वो एक तरफ जहाँ भीम आर्मी चीफ यहाँ पर मौजूद है, और ऐसे में 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। जामा मस्जिद की तस्वीरें लगातार आपके सामने, क्योंकि ये आज जुम्मे की नमाज के दिन भी वहां पर एक बार फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, क्योंकि CAA NRC के विरोध में वहां पर लोग मौजूद हैं। और इसी बीच भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण वहां पहुंचे हैं, जबकि उन्हें इससे पहले जामा मस्जिद में ही हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जमानत इस शर्त के आधार पर मिली कि आप प्रदर्शन में नहीं जाएंगे, शाहीनबाग नहीं जाएंगे, और दिल्ली से 4 हफ्ते उन्हें बाहर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन आज शाम दिल्ली छोड़ने से पहले एक बार फिर वो जामा मस्जिद पहुंचे हैं। हालांकि आज शांतिपूर्ण तरीके से भीम आर्मी के समर्थक और नेता वहां पर मौजूद हैं, लेकिन बड़ा सवाल बना हुआ है कि जिस तरह से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं CAA और NRC के खिलाफ, तो ऐसे में इन्हें खत्म करने के मद्देनजर या ये परिस्थिति आगे बदले इसके लिए क्या होता है।
दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी मोर्चे से हटने के लिए तैयार नहीं। दिल्ली पुलिस की प्रदर्शनकारियों से अपील एक बार फिर नाकाम साबित हुई। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस से दो टूक कह दिया है कि नागरिकता कानून के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा। आज फिर शाहीन बाग में नागरिकता कानून के खिलाफ नारे लगते रहे। मेन रोड होते हुए काफी लाखों लोगों को आने जाने में समस्या पैदा हो रही है। मैं आपसे विनती करता हूँ, रिकॉर्डिंग चलिए, आप अपने प्रदर्शन को इस रोड की बजाय साथ में कहीं भी जो आपको उचित जगह लगे वहाँ पे इसको शिफ्ट कर लें, ताकि सर्दी के समय में छोटे बच्चों को एम्बुलेंस वगैरह जो यहाँ से आती जाती है। शाहीनबाग को प्रदर्शनकारियों से मुक्त कराने के मकसद से एक बार फिर दिल्ली पुलिस शाहीनबाग पहुंची, जनता से अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं हुए, बल्कि विरोध की आवाज और ऊंची होने लगी। आप मेरी तरफ एक मिनट के सुन लीजिए, आप अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण ढंग से बिल्कुल करिए। अंत में आपसे विनती है कि इस रोड को आने जाने में जो ट्रैफिक में बाधा पैदा हुई है उसको ध्यान में रखते हुए इसको डायलिंग शिफ्ट कर लीजिए। दिल्ली पुलिस के लिए उस वक्त बेहद असहज स्थिति खड़ी हो गई जब महिलाएं मंच पर पहुंच गई और पुलिस से आमना सामना करने को तैयार हो गई। एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एकजुट होकर महिलाओं ने प्रदर्शन को पहाड़ जैसी मजबूती दे दी है। हम तो अपने भारत के लिए बैठे हुए हैं, भारत देश की नागरिकता और उसके कानून को बचाने के लिए बैठे हैं। एक महीने से हर काम उन्होंने अपना लिया है, हर काम अपना लिया कि कैसे ये प्रोटेस्ट हटाया जाए। डर हो गया है कि मतलब डर रही है। महिलाएं कुछ ज्यादा आगे बढ़ गई, उनको ज्यादा डर हो रहा है कि शायद ये इतना ज्यादा ना हो जाए कि हमें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ जाए। रोड बंद है, दुकानें बंद हैं, आने जाने वाले लोग परेशान हैं। दिल्ली पुलिस हटने की अपील कर रही है, लेकिन सब कुछ इस प्रदर्शन के आगे बेअसर है। शाहीनबाग का यही गुस्सा और तेवर देश के दूसरे शहरों तक पहुंच रहा है। दिल्ली के सीलमपुर में भी नया शाहीनबाग जन्म ले रहा है। बच्चे से लेकर बड़े, महिलाएं, पुरुष सब आवाज उठा रहे हैं। शाहीनबाग की तरह सीलमपुर के जाफराबाद इलाके में भी बुधवार शाम से लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। किसी के हाथ में तिरंगा है तो कोई बापू की तस्वीर लेकर बैठा है। NPR और NRC के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि सरकार ने जो ये NRC बिल पास किया है और NRC पास किया है ये गलत है। क्या हमें देश की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए जो हमने यहाँ पर जन्म लिया है? क्या हम लोग यहाँ से निकाले जा सकते हैं? यहाँ NRC का विरोध कर रहे हैं वो, इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं NRC को, हम नहीं चाहते NRC को वापस लिया जाए। हम यहाँ तक रात से बैठे जब तक NRC वापस नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। CAA के खिलाफ विरोध की आवाज देश के अलग अलग शहरों से भी उठ रही है। CAA के समर्थन में भी कहीं ना कहीं मार्च और रैलियां हो रही हैं। विरोध और समर्थन का यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। मिलन के साथ रोहताश यादव, दिल्ली आज तक।